हाय एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सर? होपफुली हमने पंजाबी का तक जितना भी सिलेबस कवर कर लिया आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अगर फिर भी कोई आपका इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपका जो भी इशू हो उसे बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर दूँ। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सैफुल मलूक, जो कि एक किस्सा है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने हीर को डिस्कस किया था, ठीक है, वैसे दास्तान की तरह ये भी एक किस्सा है। और CSS PMS दोनों में इंक्लूडेड है एंड वी हैव टू कवर इट। बट बिफोर डिस्कसिंग द स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देती हूँ ताकि आपको जो इसकी पोइट्री है उसको समझने में थोड़ी आसानी रहे। अब ये स्टोरी है मिस्र के बादशाह की, जिसका नाम था आसिम बिन सफवान। अब वो बादशाह बे औलाद था और उसके नौकर जाकर जब उसकी हालत देखते थे तो उन्हें बड़ा दुख होता था। उन्होंने एक नजूमी को बुलाया और नजूमी ने बादशाह से कहा कि अगर वो बदख्शां के बादशाह की बेटी से शादी कर लेते तो उनके यहाँ औलाद पैदा हो जाएगी। अब बादशाह उस लड़की से शादी कर लेता है और उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो रखते हैं सैफुल मलूक। अब जैसे जैसे वो बेटा बड़ा होता है तो जवानी की उम्र में बादशाह उसे दो मूर्तियाँ देता है, एक देता है अपनी और दूसरी देता है एक परी की जिसका नाम होता है बदील जमाल। अब जब वो शहजादा उस मूर्ति को देखता है तो उसको उस शहजादी से मोहब्बत हो जाती है और वो डिसाइड कर लेते हैं वो उसी से शादी करेगा। उसके लिए वो एक बेड़ा तैयार करता है और पूरी फौज का दस्ता लेके सफ़र के लिए रवाना हो जाता है। अब रास्ते में इतने चैलेंजेस आते हैं, इतनी परेशानियाँ आती हैं कि वो जो उसकी सारी फौज होती है वो हलाक होती रहती है। इन द एंड होता कुछ इस तरह से कि वो जो शहजादा होता है बिल्कुल अकेला रह जाता है और उसकी हालत ज़ार होती है, वो बेहोश हुआ होता है। उस वक्त एक फ़रिश्ता आता है और उसे इसमें आज़म सिखाता है। अब उन इसमें आज़म की बरकत से वो एक देव के किले में पहुँचता है और वहाँ उसने जिसको कैदी बनाया होता है, एक लड़की होती है सरांदीप की, वो बादशाह की बेटी होती है जिसको उसने कैदी बनाया था, वो उसको रिहा करवाता है और उसके बाप तक पहुंचा देता है। अब वो जो लड़की कैद होती है वो दोस्त होती है बदील जमाल की। तो इस तरह जो सैफुल मलूक है वो बदील जमाल तक पहुंचता है और उससे शादी करता है, उसके साथ ज़िंदगी स्पेंड करता है, ठीक है, और 50 साल तकरीबन वो उसके साथ ज़िंदा रहता है। फिर कुदरती मौत के ज़रिए वो मतलब वो मर जाता है और फिर बदील जमाल उसके गम में मर जाती है। अब ये था। अब हम कुछ MCQs को देख लेते हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मियाँ मोहम्मद बख्श ने इस किस्से को लिखा था और वो कश्मीर में पैदा हुए थे मियाँ शमसुद्दीन के घर पे। अब इनके एक जो बहुत मारूफ सूफी बुजुर्ग रह चुके हैं वो मशहूर वो आ सकता है पेपर में, दैट इज़ शाह कलंदर, ठीक है, और डुमड़ी वाली सरकार। और उसके अलावा ये जो किस्सा है ये मियाँ मोहम्मद बख्श ने 33 साल की उम्र में लिखा था और इसका असल नाम सफरुल इश्क है। मियाँ मोहम्मद बख्श ने कुल 17 किताबें लिखी थी और सफरुल इश्क यानी कि जो सैफुल मलूक है सबसे ज़्यादा इसको शोहरत मिली हुई है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको मियाँ मोहम्मद बख्श के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि मियाँ मोहम्मद बख्श जो है वो एक बहुत एवरेज इंसान थे, मतलब कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, मीडियोकर सी फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब खुद भी एक एवरेज इंसान थे। अब हुआ कुछ इस तरह से कि मियाँ मोहम्मद बख्श को कहने के एक कॉम्प्लेक्स था और उन्होंने क्यों अपने आप को मुमताज़ करने के लिए, क्योंकि देख कोई भी इंसान होता है उसको उसमें एक लगन होती है कि वो सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों से खुद को प्रोमिनेंट कर सके। तो बस इसी चीज़ ने, इसी जस्तजू ने मियाँ मोहम्मद बख्श को इस चीज़ पे उभारा और कायल किया कि वो इस तरह शायरी करें और सैफुल मलूक जैसे एक किस्सा लिखते। अब इस किस्से के लिहाज से आपको दो तरह से सवाल आ सकता है। पहला है सैफुल मलूक असल विच इंसानी अजम व हिम्मत हौसले ते जहते मुसलसल दीद लाजवाल इलामती दास्तान है तुहाडा की ख्याल है, या फिर इस तरह से आ सकता है मियाँ मोहम्मद बख्श दी सैफुल मलूक नामुमकिन दे हसूल दा दर्ज शेरी मसाला नाल साबित करो। अब इसमें आप इस तरह से हेडिंग देंगे वो आप देख लें। सबसे पहले आप देंगे सैफुल मलूक इलामती दास्तान लाठी विच छुपी हुई तलवार। अब देखिए जितना आपने किस्सा पढ़ा है ये एक इलामती दास्तान है, मतलब कि उस शहजादे को एक माफूकुल फितरत लड़की से परी से मोहब्बत हो जाती है और फिर जब वो डिसाइड कर लेता है कि वो उसको पाएगा तो वो उसके लिए बहुत हार्डशिप्स जो है वो फेस करता है। आप देखिए वो एक नामुमकिन कोशिश थी, मतलब ये एक नामुमकिन चीज़ है कि आप किसी परी से मोहब्बत करें और फिर आप उसके उसे पा लें, ठीक है। तो इसमें असल में जो वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं रीडर को वो यही है कि अगर आप नामुमकिन चीज़ की भी लगन करना शुरू कर देते हैं और उसके लिए डिटर्मिंड हो जाते हैं, कमिटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग है और उसके लिए एफर्ट करना शुरू कर देते हैं तो इन द एंड ऑफ द डे आप उसको पा लेते हैं, ठीक है। तो लाठी विच छुपी तलवार यानी कि मोटिवेशन है इस किस्से में, एक ड्राइविंग फोर्स जो है उसको वो यूटिलाइज करवाना चाह रहे हैं रीडर्स को। उसके बाद दूसरा सैफुल मलूक भी तख्लीक द मुहर्रक, ये मैंने आपको बता दी क्योंकि वो खुद एक एवरेज इंसान थे और हर इंसान में होता है कि वो खुद को मनवाए और दूसरे लोगों से खुद को मुमताज़ करे। तो इस चीज़ ने मियाँ मोहम्मद बख्श को इस काम के लिए
उभारा कि वो इस किस्से को प्रोड्यूस कर सकें। देन अगर आप एक ही किसी, अगर आपको कोई बोले कि इस सारे किस्से को आपने एक सेंटेंस में बताना है, तो उसके लिए ये शेर है, आप इसे देख लें। इसी हिस्से मिसरे अंदर गर्ज किस्से दी सारी, जो ढूंढे सो पावे भाई, मुफ्त नहीं पर यारी। अब ये देखो, यह मोहम्मद बख्श ने खुद ही बता दिया कि इस एक मिसरे में ही सारा जो ये किस्सा है वो शामिल कर दिया गया, और सारा जो किस्सा है उसकी समरी इस एक सेंटेंस में है कि जो ढूंढे सो पावे भाई, मुफ्त नहीं पुर यारी। मतलब दुनिया की कोई चीज़ भी मुफ्त नहीं है, आपको कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत दरकार है। उसके बाद है 3, सैफुल मलूक इज अज़्म व हिम्मत ते जहद मुसलसल दा दर्ज। यानी कि आपने बताना है कि किस तरह से जब इंसान नामुमकिन एक चीज़ के लिए कोशिश कर रहा है, या एक मुश्किल काम है बट उसके लिए वो हार्डशिप्स फेस कर रहा है और कंसिस्टेंसी के साथ वो स्ट्रगल कर रहा है, तो एक दिन वो उसे पा लेता है। अब देखिए उन्होंने अपने किस्से में किस तरह से इस चीज़ को एलैबोरेट किया। सैफे मलूक परी रल बैठे, नान मोहब्बत दिल दी, जिस चीज़ें नू लोड़न चढ़ी है और एक दिन मिल दी। अब ये लगन और तलाश है, ठीक है, इस आपको सेंटेंस में लगन की एक खुशबू आएगी और तलाश आपको दिखाई दे रही है कि जिस चीज़ को आपको लगे कि ज़रूरत है और आप उसके लिए एफर्ट करते हैं, तो एक ना एक दिन वो आपको मिल जाती है। इसी तरह जब आप नंबर 4 पे देखेंगे, मुराद दे हसूल नहीं नीयत दी पाकीज़ की, इसमें आप देखें लोड़न वाला रिया ना खाली, लोड़ की थी जे सच्ची, लोड़ करिंदा जो मुड़ाया, लोड़ और दीगिन कच्ची। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उसे पा लेंगे, और अगर आपने उसे नहीं पाया तो समझना कि आपकी जो एफर्ट थी, वो जो आपकी लगन थी, वही प्योर नहीं थी। आपकी नीयत की मजबूती और पाकीज़गी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा आप नंबर 5 पे कर सकते हैं आस उम्मीद दरस। यानी कि अगर आप कुछ कमिटमेंट कर भी लेते हैं, तो आपको चाहिए कि आप होपफुल रहें, ठीक है, कभी भी ना उम्मीद ना हो कि ये हो नहीं सकता या ये मुझसे होगा नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं पूरे दिल जान के साथ और आपकी नीयत पाक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नाकाम हो जाएं। इसमें उन्होंने जो शेर आप लोग एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं वो है, जहाँ तक सांस निराश ना होवे, सांस टूटे मुड़ आसा, ढूंढ करे थी हटी नाहीं, हट गयो ता हासा। यानी कि सांस, सांस को बोलते हैं, जब तक सांस की डोर चल रही है तो आपने अपनी जो जुस्तजू है उसे बाज नहीं आना, उसके लिए कंसिस्टेंट आपने रहना है और कंटिन्यूसली आपने एफर्ट करनी है। ढूंढ करन थी हटी नहीं, यानी ढूंढने से, तलाश करने से आपने बाज नहीं आना, ठीक है, थी मतलब तो, और हट गयो था हासा, और अगर आप बाज आ जाते हो फिर समझ लो कि सोसाइटी आप पे हंसेगी, ठीक है। तो आपने लोगों को हंसने का मौका नहीं देना, आपने उस जो भी आपकी कमिटमेंट है आपने उसको पा लेना है। अब अच्छा, निराश का मतलब होता है ख़त्म होना, ठीक है, जहाँ तक सांस निराश ना हो, यानी जब तक सांस ख़त्म नहीं होती, ठीक है, इसका मतलब ये था। और देन आप नंबर 6 पे देखें, नाकामी तो कामयाबी बल सफ़र, इसमें जल जल हार न हारी हिम्मत, हिक दिन फिर सी पासा, भूखा मंगन चढ़े मोहम्मद और एक भरदा कासा। यानी जल जल कहते हैं बार बार, यानी कि बार बार आपने हिम्मत करनी है, और अगर आप हिम्मत करें तो एक ना एक दिन आपके दिन फिर ही जाएंगे। अगर आपको जुस्तजू है, आपको भूख है, तो एक ना एक दिन आपको मंजिल मिलन दी खुशी, जा मकसूद में असर हुंदा, रंजो राहत थेन दी याद ना रहे कजैया कोई। कजैया कहते हैं दुख को, जदों फरागत थेन दी। यानी कि अगर आपने बहुत एफर्ट की है किसी भी चीज़ के लिए, अब लाइक आप CSS कर रहे हैं तो देखें आपके पास कंटेंट, आप क्वालिटी उसके लिए ढूंढेंगे, बुक्स को सर्च आउट करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, अपने एवेल्यूएटर्स को दिखाएंगे, आप यूट्यूब यूज़ करेंगे, आप नेट को यूज़ करेंगे, और ये देखिए सारी एफर्ट लग रही है ना आपकी। लेकिन जिस दिन आप CSP ऑफिसर बन जाएंगे, तो आप खुद फील करेंगे कि जितनी भी आपने एफर्ट की थी वो ज़रूरी थी, ठीक है। ये जितने चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, जितनी परेशानी आप भुगत रहे हैं, और जितनी आप क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पड़ी है, तो उस दिन आपको कुछ भी ये फील ही नहीं होगा। ये अभी फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी आपके पास मंजिल नहीं है, और जब मंजिल आ जाएगी तो ये सारे दुख, सारे रंज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम मुग्धी गल यानी कंक्लूजन लिख देंगे। और सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो ये इस तरह से हो सकता है, मसनवी सैफुल मलूक का तनकीदी जायजा पेश करो। अब आपने तनकीदी यानी अपनी एनालिटिकल स्किल्स और क्रिटिकल स्किल्स को यूज़ करना है। इसमें आप बता देंगे हमद बारी ताला के इस किस्से का, जैसे मूड जिसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे था, वो आपको पता है, हर किस्से की तरह इसमें भी एक फॉर्मेलिटी के लिए वो डाल दिया गया। अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर हर दा, उसना नाम चितारन वाला हर मैदान ना हर दा।
यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कादर मुतलिक है, जो चाहे वो कर सकता है, वो किसी मैदान में नहीं हारे हार सकता। उसके बाद अगेन आप नाते रसूल मकबूल लिख देंगे, इसमें आप ये लिख दे सकते हैं, ओ महबूब हबीब रुबाना हामी रोज़े हशर दा, आप यतीम यतीम मताएं हद से रहते दर्दा। मुझे लगता है मुश्किल है जो मुझे एलैबोरेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप यतीम यानी कि खुद यतीम थे, और वो दूसरों के सरों पे जो यतीम होते थे उनके सर पे हाथ रखते थे और शफकत उन पे करते थे। उसमें मुनाकिब पीर मेरे दी धूम चुफेरे आमन वली सलामी, चमन खाक करेंदे खदमत दावा रख गुलामी, ओ तरिया नूं पुत्तर देंदा विछड़े यार मिलावे, दर उस दे दी खाक मलन थी कोड़ फरंग उठ जावे। अब ये उन्होंने अपने मुर्शद के लिए जो है वो पेश की है। उसके अलावा आप किस्से दी तसनीफ दा सबब, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किस्सा आपने कि क्यों लिखा या किसने फरमाइश की थी। तो ये फरमाइश की थी आपके बड़े भाई ने जो आपके मुर्शद भी थे, और उन्होंने ये पढ़ा था किस्सा एक बुक में, और उन्होंने फिर मियाँ मोहम्मद बख्श से कहा कि आप ये किस्सा जो है वो लिख दें। अब आप देख लें शेर, सैफ मलूक के दी गल ओना किसे किताबों डिठी, यानी किसी किताब से उन्होंने पढ़ी, ऐस किस्से दी तलब पे उन्हें मैवल कर दे चिट्ठी। अब वो जो उनका भाई था उनके बाप का दर्जा भी दे रहे हैं और अपने मुर्शिद का भी, ठीक है। यानी कि फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम लिख दो, मैं भी बात अजायब डिट्ठी फारसियों अखबारों अखबारों नाले अमर होयासी सादिर मुर्शिद दे दरबारों, ठीक है। अब इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये नीचे वाला वही शेर है जो हम पहले पढ़ के हैं, जो ढूंढे सो पावे भाई वो नहीं पर यारी। उसके अलावा मसनवी यदा फनी तनकीदी हैती जैसा, जिस तरह भी जो आप आ जाएगा आपने इसको इस तरह से लिखना है कि आपने सबसे पहले किरदार निगारी के बारे में बता देना, ठीक है। किरदार निगारी वो आप पढ़ लेंगे करेक्टर्स को, ठीक है, इस किस्से में तो आपको समझ आ जाएगी। और कोई भी आप जो शेर है जो आपको अपने मुताबिक लिखे वो आप लगता है वो आप लिखते हैं। मंजिल निगारी में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, जुम्बिश खास पाही सूरज पार से आँख कनाता, ये अब सूरज के बारे में बता रहे हैं, जो सुबह का वक़्त होता है उसके बारे में। चरण मैदानम बरदे आया बजिया होर जमाता, ऐस सूरज जमशेद फलक दा पा यकूती जोड़े, विच मैदाने आन खलोया चढ़ के नीले घोड़े। अब भजियाँ जो आपको ऊपर नहीं दिखाई दे उसका मतलब होता है भाग जाना, और फलक आसमान को कहते हैं, और उसके अलावा नीले घोड़े ये वो अब आपको पता है वो आसमान वगैरह को कह रहे हैं, तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके अलावा सरापा निगारी, मतलब अब सरापा निगारी आपको पता है यानी कि पूरी पिक्चर सामने ला के खड़ी कर देना, यानी सर से लेके पाँव तक, जैसे कि हुसन बदी जमाल परीदा वांग बहार चमन दी। अब ये देखें उन्होंने मुशाबा दिए कि जिस तरह हुसन जमा जो बदीउल जमाल परी थी उसका हुसन ऐसे था जैसे बहार होती है चमन में, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, उसमें जुज़ियात निगारी आ जाती है कि किस तरह आप जुज़ियात भी लिख सकते हैं, और देन जज्बात निगारी आ जाती है, जज्बात निगारी इमोशनल फीलिंग्स को, ठीक है, कहते हैं कि आपने किस तरह से उन्होंने एलैबरेट किया हुआ अपनी शायरी में वो आप बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा हुआ है, फेर ओ उमूरत शाह परीदी कट के बाहर हजाब हों, चुम अखी मुँह मत्थे लावे रोमे बद ख्याल। अभी देखें इमोशनल फीलिंग्स को यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मुकालमा निगारी, नफ्स कहे मैं काला होया कचरक तोड़ी जड़ सा, अकल कहे क्यों कमला होयो इश्के लज न लाए, नफ्स कहे हुन कित्थों मिल सी ना कोई दस सुने हाँ, अकल कहे ए कम इश्क आशिक दा इश्को बस न करनी, ठीक है। अब ये मुकालमा निगारी यानी नफ्स और अकल का जो वो मुकालमा है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। उसके बाद तनकीद निगारी में आप बता देंगे उसके, अच्छा इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मोहम्मद मियाँ मोहम्मद बख्श ने तनकीद की थी उन्होंने बड़ा पोलाइटली जो है वो तनकीद की हुई है, जबकि आप दूसरे जब शायरों को देखते हैं अहमद यार मरालवी और इस तरह से, तो ये बड़े उन्होंने बेबाक और कहने के बहुत रख्त लहजे में की हुई है, जबकि मियाँ मोहम्मद बख्श के केस में ऐसा नहीं है। उसके अलावा शायरी उत्ते तनकीद, अब इसमें देख लें आप, जो शायर बे बैड़ा होवे सुखन ओहदे भी रुखे, बे पैड़े थी शेर ना हुंदा अग बिन धुआं ना दुखे, यानी कि अगर कोई शायर ही बुरा है, ठीक है, तो उस वो जो शायरी करेगा वो भी कोई कमाल की नहीं होगा। उसके अलावा वो कहे बे बैड़े थी शेर ना हुंदा अग बिन धुआं ना दुखे, यानी कि आग अगर नहीं है तो फिर धुआं भी नहीं होगा, ठीक है, धुआं भी तभी होगा जब आग लगी हुई होगी, या जब दुख होगा आपके पास, या आपके पास कोई मोटिवेशन होगी, ठीक है, अगर आपके पास कोई मोटिवेशन है तभी आप लिटरेचर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आपके पास चाहे नसर की फॉर्म में आए फिर चाहे शायरी की फॉर्म में आए। जिस विच गुज गुज्जी रमज ना होवे दर्द मंदा दे हालों,
बेहतर चुप मोहम्मद बख्शा सुखन अजेहे नालो, यानी कि अगर आपके पास ऐसी कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, कोई ऐसी मोटिवेशन, कोई ऐसा दुख है नहीं है, तो फिर बेहतर है कि आप जो है वो ऐसे सुखन ना करें, क्योंकि आप कि वो अगर आप कोई ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस कर भी रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस तरह शायरा उत्तर तनकीद, ये डिफरेंट उन्होंने जिस तरह शायरों को तनकीद की है यहाँ पर वो बता रहे हैं। अव्वल शेख फरीद शकरगंज आरिफ अहले वलायत, अभी देखिए यहाँ पर उन्होंने जो फरीद शकरगंज है उनको बता रहे हैं, हिक हिक सुखन जुबान और दीदा रहबर राह हदायत, इस तरह से डिफरेंट है, आप जोन सा आपको ईजी लगता है वो कर लें। लास्ट पे देख लें, वारिस शाह सुखन दा वारिस निंदे कौन इनानो हरफ उदित उंगल धनी ना ही कदर आसानो। अब वारिस शाह ये उन्होंने हीर का किस्सा जो हम लास्ट पढ़ के आए उनके बारे में है। उसके बाद गजल गोई मतला मक्ता, इसमें अभी आपको जो इजी लग रहा है वो आप कर लें। ठीक है, तमसीली रंग यहाँ पे आपको, अच्छा आप एक बात याद रखिए कि हम पहले कर रहे हैं, अगर आपको वहाँ से कोई शेर मिल रहा है तो आप वही कोट कर लें, बजाय इसके कि आप बार बार याद करें। जैसे तमसीली रंग में आप लोग ये वाला शेर लिख सकते हैं, सैफे मलूक परी रल बैठे नाल मोहब्बत दिल दी जिस चीज़ नु लोड़न चढ़ी है और एक दिन मिलती। ठीक है, ये तमसीली रंग को शो करें, तो अगर आपको उन्हें वो याद कर लिए तो आप वही लिखते हैं। इसीलिए मैं सारे नहीं पढ़ी क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना, तो फिर टाइम भी लग जाएगा, वीडियो भी लंबी हो रही है, और आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ज़ुबान बयान आप बताएंगे और मुग्धिकल, मुग्धिकल अगेन वो कंक्लूजन है ना, वो आप चाहे इधर से लिख दें और चाहे आप इनोवेटिव किस्म का लिख दें ताकि आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आ जाए। यहाँ तक हमारी क्लासिक की शायरी जो है वो एंड हो जाती है, इसके बाद हमारे पास जदीद शायरी का आगाज़ हो जाता है और हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट लेंगे, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।